कोलकाता रेप मर्डर केस के खिलाफ रेजिडेंट डॉक्टर के संगठन फोजा ने किया हड़ताल वापस लेने का ऐलान, लेकिन दूसरे संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन की हड़ताल बरकरार। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद कहा, हमारी सभी मांग मानी गई, केंद्रीय मंत्री ने सुरक्षा को लेकर भरोसा दिया, इसलिए फोड़ा ने हड़ताल वापस ली। डॉक्टर की रेप हत्या मामले की सीबीआई जांच कर रही है, प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स ने खुशी जताई है इसके लिए, लेकिन न्याय मिलने और सुरक्षा सहित अन्य मांग पूरी करने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। डॉक्टर्स की हड़ताल से परेशान मरीज और परिजन, कई दिनों से लगातार आने के बावजूद मरीजों को नहीं मिल पा रहा इलाज, मरीज लेकर जगह जगह भटकने को मजबूर। आरजीकर अस्पताल के डॉक्टर्स की हड़ताल जारी, प्रदर्शन में शामिल हुई एक्ट्रेस अपर्णा सेन, हॉस्पिटल के सेमिनार रूम में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या। कोलकाता में टीएमसी का अस्पताल के बाहर डॉक्टर्स के समर्थन में प्रदर्शन, लेकिन कहा डॉक्टर्स को काम पर लौट जाना चाहिए। सीपीएम से जुड़े संगठनों का भी प्रदर्शन, ममता का मांगा इस्तीफा। मंगलवार को कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपने का दिया आदेश, 3 हफ्ते बाद होगी मामले की सुनवाई, सीबीआई कोर्ट में पेश करेगी जांच रिपोर्ट। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की रेप हत्या का मामला, सीबीआई ने अपने हाथ में ली जांच, केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपने से पहले आरोपी का कराया गया मेडिकल टेस्ट। वारदात के पास वाले कमरे में तोड़फोड़ को लेकर छात्रों ने सीबीआई को लिखी चिट्ठी, सेमिनार रूम के 10 मीटर से भी कम के दायरे में तोड़फोड़ हुई है, सबूतों से छेड़छाड़ को लेकर सवाल उठाए। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों के लिए एडवाइजरी, कॉलेज और अस्पताल परिसर में सुरक्षा नीति बनाए, सभी को मुहैया हो पर्याप्त सुरक्षा। टीएमसी ने कहा, मेडिकल छात्रों के खिलाफ होने वाली हिंसा की किसी भी घटना की कॉलेज प्रबंधन तुरंत करे जांच, साथ ही मामले की पुलिस में दर्ज करवाई जाए एफआईआर। आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिल सकता है आईएमए प्रतिनिधिमंडल, कल नड्डा से हुई थी मुलाकात, कल कहा कि ममता बनर्जी से बात होने के पहले डॉक्टर्स को नहीं समझाएंगे। पश्चिम बंगाल के सभी यूनिवर्सिटीज में सुरक्षा बढ़ाने के आदेश, राज्यपाल ने कहा छात्राओं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए उठाए जाएं जरूरी कदम, जरूरत के मुताबिक करें कानूनी कार्रवाई। कोलकाता रेप और हत्या मामले पर बोली बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी, सीबीआई जांच से पता चलेगा वारदात में कौन कौन शामिल, पश्चिम बंगाल पुलिस पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। टीएमसी नेता शांतनु घोष ने कहा, ममता बनर्जी पहले दिन से सीबीआई जांच के लिए थी तैयार, पीड़ित परिवार को भी दिया था भरोसा, सब जानते हैं सीबीआई कितनी निष्पक्ष। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर खड़े किए सवाल, कहा बंगाल में अपराध चरम पर है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। बीजेपी ने मांगा ममता बनर्जी का इस्तीफा, तो टीएमसी नेता का पलटवार, कुणाल घोष का बयान, उन्नाव प्रयागराज हाथरस में क्या हुआ था, क्या किसी बीजेपी नेता ने इस्तीफा दिया। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा आरोपी चाहे किसी भी जाति धर्म का हो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और अब चलिए आगे बढ़ते हुए हम आपको दिखाते हैं कुछ और बड़ी खबरें। सीएस ने 16 अगस्त तक के लिए विनेश फोगाट की अपील पर फैसला टाला, कल सुनाना था फैसला, अब 16 अगस्त को भारतीय समय के मुताबिक रात 9:30 बजे आएगा खेल पंचायत का फैसला। फैसला टालने पर बोले विनेश फोगाट के चाचा महावीर फोगाट, इंतजार के साथ बढ़ रही उम्मीद कि हमारे पक्ष में आएगा फैसला, सब बढ़िया होगा, विनेश आगे खेलने की तैयारी करे। भारतीय ओलंपिक संघ के वकील विदुषपद सिंघानिया ने जताई फैसले के पक्ष में आने की उम्मीद, कहा खेल पंचायत का फैसला कुछ भी हो लेकिन विनेश एक चैंपियन। भारतीय हॉकी टीम में डिफेंडर सुमित ने कहा ब्रॉन्ज मेडल मां के साथ साथ देशवासियों को समर्पित, विनेश फोगाट एक साहसी खिलाड़ी, हमें उम्मीद आज भारत की पदक तालिका में एक और मेडल होगा शामिल। केंद्रीय खेल मंत्री ने पुरुष हॉकी टीम को किया सम्मानित, पीआर श्रीजेश ने कहा आगे भी हॉकी को सुरक्षित रखना है, प्रेरित करना है कि आप हॉकी खेलकर मेडल जीत सकते हैं।
केंद्र खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ओलंपिक कांस्य पदक विजेता अमन सहरावत को सम्मानित किया। मौजूद थे टोक्यो ओलंपिक के रजत पदक विजेता रवि धैया। ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता अमन के दादा मांगे राम ने कहा, हम बहुत खुश हैं, देश का नाम रोशन कर दिया। अब अमन ने किया 2028 में गोल्ड मेडल लाने का वादा। राष्ट्रपति मुर्मू आज भारतीय ओलंपिक दल से करेंगे मुलाकात। स्वतंत्रता दिवस समारोह में दल लेगा हिस्सा। 15 अगस्त को पीएम मोदी आवास पर करेंगे खिलाड़ियों की मेजबानी।